ओके बाय। तो मैं शादरे आया हुआ था अपनी बुआ जी के घर पे किसी काम से, तो कुछ सामान देना था, वो देने आया हुआ था। और पूरे दिन ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। अब यहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी है, अब सीधा घर निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। तो मैंने सोचा कि भैया ब्लॉग तो अपलोड करना ही है, तो क्यों ना अभी स्टार्ट कर लिया जाए, वरना फिर तो ब्लॉग बनने से रहा। और भाई साहब ठंड तो बहुत बढ़ गई है, दो दिन से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। ओह माय गॉड, बहुत ही ठंड है भैया। अरे यार यहाँ बाजार लग गया है, क्या है कि कैमरा संभालने के लिए, एंगल संभालने के लिए ना हेलमेट को एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ता है ताकि स्कूटी भी दिखती रहे। ये जी हाँ, मैं स्कूटी बताना भूल गया, ये बैटरी वाली स्कूटी है और ये बड़े आराम से बड़े मज़ेदार तरीके से चलती है। एक घंटा या आधा घंटा यहाँ बैठा हुआ था मैं बुआ जी के घर, क्योंकि ये बैटरी मैं सोचा था चलो चार्ज हो जाएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि सामान भी लोड करके आया था, तो बैटरी ज़्यादा फूक जाती है, बैटरी ज़्यादा लोड पड़ता है फिर बैटरी पे भी। तो इस चक्कर में मैं सोचा चार्जिंग पे लगा देता हूँ और आराम से घर पहुँच जाऊँगा। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को सिर्फ धूल मिट्टी से लगती है यार, जो एक तो इसके लेंस और इसकी जो स्क्रीन है, खैर कैमरा के लेंस और स्क्रीन ऐसे होती है कि उनमें स्क्रैचेस नहीं आती है, लेकिन दिक्कत तो फिर भी दिल के अंदर तो दर्द रहता ही है थोड़ा बहुत कि यार कुछ हो ना जाए, कैमरा सही रहे बस, क्योंकि ये एक यही इकलौता है जिसके थ्रू व्लॉगिंग होती रहती है मेरी। भाई साहब स्कूटी मेस्ट्रो जब मैं लेकर मतलब अंडरपास से होके गुजरा था तो हेडलाइट थी भाई साहब रोशनी, वैसे मैं मतलब कैमरा ऐसी मतलब चीज़ें रिकॉर्ड कर लेता है, अनएक्सपेक्टेबल होती है, तो उसके हेडलाइट मेरे को खुद मंदी लगती है कि भाई इतनी धीरे हेडलाइट है, मेरे को तो ऐसा लगता है, लेकिन कैमरे के अंदर उसकी हेडलाइट इतनी तेज़ नज़र आ रही है कि भाई पूछो ही मत कि जैसे कितनी तेज़, वो पूरी की पूरी शेप नज़र आ रही है। देखते यार इसके अंदर कमी क्या है इसके अंदर, कि इसकी हेडलाइट रोड पे ही जाती है, जो लो बीम है वो तो लो बीम जाती रोड पे है ही है, लेकिन जो हाई बीम है ना, इसकी हाई बीम भी रोड पे ही जाती है, वो ऊपर की ओर नहीं जाती कि चेहरे की ओर लगे लोगों के, वो चीज़ नहीं है इसके अंदर, इसमें हाई और लो दोनों रोड पर जाती है। यहाँ तो हेडलाइट के अलाइनमेंट सही नहीं है, ये भी हो सकता है, लेकिन यार ये चीज़ थोड़ा ध्यान देनी चाहिए कंपनी को कि हेडलाइट, या फिर कंपनी ने खुद सोच के ये चीज़ करी है कि हाँ भाई लोगों की आँखों में लाइट पड़ती है तो लोगों की आँखों में लाइट ना पड़े, या तो ये कंपनी को खुद सोचा हुआ होगा, तो इस वजह से निकाल के सबको ऐसी दे रही है। लेकिन मैंने अभी तक ओरो की लाइटें नहीं देखी कि ओरो की लाइटों में ऐसा है या नहीं है, मैंने अभी तक ये देखी है, तो किसी और की ऑप्टिमा होगी तो मैं उसकी ऑप्टिमा में देखूंगा कि ऐसा सीन है कि नहीं है। ओ भाई साहब ठंड हो गई है बहुत तेज, किसी तरह जल्दी से घर पहुंचना है बस। मैं तो सोच रहा हूँ पापा को फ़ोन कर दूँ कि भैया मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, मैं सीधा घर निकल रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त बच चुके हैं शायद 6:15-6:30 तो बज ही रहे होंगे मेरे ख्याल से, घर पहुंचने में भी मतलब 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा, 8:30 तो बज ही आएंगे, 8 या 8:30 तो बज ही जाएंगे शायद।
बस वाले तो भाई साहब टेंशन फ्री होकर चलाते हैं। बस वाले ड्राइवर कहते हैं कि भाई साहब हम तो सीधा चलाएंगे, हमारे आगे लेफ्ट राइट पीछे कोई है या नहीं है हमें मतलब नहीं है, जिसको बचना है वो खुद बचेगा। बस वाले तो ऐसा सोचते हैं ड्राइवर सारे के सारे कि भाई साहब जिसको बचना है वो खुद बचे, नहीं बचना अगर किसी का मरने का मन है तो बस भाई बस के आगे आ जाओ सीधे, टेंशन ही खत्म। और भाई साहब सरकारी जॉब होती है, इनको ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है, तब क्या होता है। फिल्मों में भी दिखाया हुआ है कि सरकारी जॉब वाले ज़्यादातर सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन कोई केस या कुछ नहीं होता। तो इन्होंने मेरे को लग रहा है ऐसे ही सोच रखा है कि सामने वाला जाए भाड़ में, अपन जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, अपन राजा हैं सड़क पे। हेलो, हाँ हेलो, कहाँ पहुँचा उठा? मैं ये घंटा घर के पास। अच्छा, तो मैं सीधा घर निकल जाऊँ या ऑफिस में आना पड़ेगा? साथ ही चलेंगे दोनों। हाँ, बाइक का लाइट लगवा रहा था, आगे देखिए क्या है। अच्छा ठीक है ठीक है। वैसे तो मैं सोच रहा था घर निकल जाऊं, बाकी पापा ने बोला कि लाइट लगवा रहा हूं बाइक में, तो लाइट देख ली है, तो भैया देख लेंगे लाइट, लाइट देख के निकल लेंगे घर पे। प्यार में चमक जैसे झुकन तो 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 ना 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 ना। हेलो, राम राम जी। राम राम जी। सर कहाँ दे रहे हो आज? भैया हम दे रहे हैं रोड पे, अभी रोड पे ही थे, वहीं दे रहे हैं। अच्छा, रोड पे दे रहे हो? रोड पे होंगे हो गए मतलब? हाँ वहीं पे दे रहे हैं अभी तो। कहाँ पे आओगे आज? भैया अभी तो मैं हूँ यहाँ की ओर, शास्त्री नगर। अरे बहुत दूर है तो अभी। हाँ वहीं की आएगा तो स्टॉल स्टॉल पे मिलता चला जाइए, मिल लेंगे थोड़ा देर भाई। हाँ आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। इसमें अलग से लाइट है इसलिए लगवाई है क्योंकि इसकी जो लाइट का थ्रो है ना, ये जब से है लाइट लगी हुई, जब से बाइक खरीदी है 12-13 साल पुरानी हेडलाइट है, तो उसका थ्रो बहुत ही मतलब उस हिसाब से तो ये यहाँ होनी चाहिए। ये इसलिए लगाई है क्योंकि थ्रो इसकी ओरिजिनल हेडलाइट का थ्रो बहुत ही कम है, क्योंकि 12-13 साल पुरानी हो चुकी है, इसलिए ये लाइटें लगवाई हैं। सही लग रही है। आगे पापा चल रहे हैं, लाइटें टेस्ट कर रहे हैं कि लाइट की जो लगाई है अभी लाइट वो कैसी थ्रो मार रही है। वैसे मेरे को तो ठीक लग रही है। हेलो, वो सेम टू सेम शटर। इधर हेलो कर दो, हेलो करो, हेलो हेलो करो, हेलो। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ घर पे और बहुत ही बुरा हाल हो चुका है घर तक आते आते, ट्रैफिक के अंदर इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, बस क्या ही बोलूँ। तो बाय बाय कर दो, बाय बाय बोलो, बाय करो, बाय बाय करो, बाय इधर, बाय करो, बाय चाय के साथ। इसका मूड नहीं है बाय करने का। तो अंत में यही कहना चाहूँगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो मेरे यूट्यूब चैनल को और
खुश रहो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो यूट्यूब चैनल को मेरे द एम के ब्लॉग्स को, और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करे तो इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करो, mang.mk.verma के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है मेरी। अंत में बस यही कहना चाहूँगा, खुश रहो, टेंशन या सिचुएशन जैसी भी कुछ भी है, नेगेटिविटी है कुछ भी है, उन सबको थोड़ा सा नज़रअंदाज करो, खुश रहो बस। खुश रहो बस।